नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये टॉपिक तीन तलाक के मुद्दे पर है। केंद्र सरकार ने एक बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए इस कानून की, उतना अच्छा ये कानून बनाया केंद्र सरकार ने कि इस कानून को मान्यता दी, क्योंकि अभी ये राज्यसभा में पेंडिंग है मामला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काफ़ी एक्टिव है। तो इस बार के क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो अब की बार जब जैसे ही नया संसद का सत्र शुरू होता है, ये मैटर को इस जो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसको कानून बन गया है वैसे ही है, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता के लिए इसको संसद में ले जाना पड़ेगा। तो संसद में जैसे इसको पास होता है, ये कानून बन जाएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी प्रशंसा की जाए इस विषय में, उतनी कम है कि उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही सम्मानजनक निर्णय दिया है मुस्लिम बहनों के लिए। तो इसमें कुछ परिवर्तन जो हुए हैं, नया क्या कानून है, कुछ छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, वो मैंने बनाया है। तो वहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज आपको मैं बता दूंगा कि तीन तलाक वास्तव में है क्या, और पुराना क्या था, नए में क्या है, टोटल जानकारी मैं आपको इसमें दे दूंगा। आइए देखते हैं कि क्या नया कानून बनाया गया है। 22 मुस्लिम बाहुल्य देशों में तीन तलाक पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। जो भी लगभग 22 मुस्लिम देशों में तीन तलाक कानून को ख़त्म कर दिया गया है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तीन तलाक के कानून को कब का ख़त्म कर चुका है। बांग्लादेश में भी कोई तीन तलाक का कानून नहीं है। उसी तर्ज पर भारत भी आगे बढ़ रहा है। तो नया कानून क्या है? जमानत पर जमानत देना आसान नहीं होगा। पत्नी का पक्ष सुने बिना मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकते। जब तक पत्नी का पूरा पक्ष सुन नहीं लेंगे मजिस्ट्रेट और उसका सिग्नेचर नहीं हो जाएगा, तब तक मजिस्ट्रेट पति को जमानत नहीं देगा। अगला है समझौते पर। पत्नी के प्रयास से ही समझौता हो सकता है। जो पत्नी चाहेगी तभी समझौता होगा, उसके पहले समझौता नहीं हो सकता है। शिकायत के बाद कोई समझौता अदालत के बाहर नहीं होगा। अगर एक बार शिकायत दर्ज कर दी गई तो अदालत के बाहर फिर समझौता नहीं हो सकता है, केवल अदालत के अंदर ही समझौता हो सकता है। अगला है पति सुलह करना चाहता है तो उसे पत्नी को मनाना ही होगा। पति पत्नी मिलकर कोर्ट में समझौते की अपील कर सकते हैं। ये नहीं है कि पति अकेले चाहे तो समझौता कर ले, नहीं, उसे पत्नी को मनाना पड़ेगा। जब पत्नी मान जाएगी तभी ये समझौता हो सकता है, और दोनों मिलकर के, पति और पत्नी दोनों मिलकर के समझौते के लिए इसमें कोर्ट में अपील करेंगे। नाबालिग बच्चे पर कोर्ट के मामले के दौरान नाबालिग बच्चे माँ की कस्टडी में रहेंगे। बच्चे जो है, जब ये मान लीजिए कोई केस चल रहा है तीन तलाक के मैटर पर, तो बच्चे जो है वो माँ के पास ही रहेंगे, और पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता अदालत के निर्देश पर पति देगा। ये नहीं है कि पति, अगर ये मैटर चल रहा है तो पति पत्नी को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको बाकायदा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा बच्चों का और पत्नी का, और वो भी अदालत उसको निर्देशित करेगी। अगला है मुआवजे पर मजिस्ट्रेट जमानत तभी देंगे जब पति प्रावधानों के मुताबिक पत्नी को मुआवजा देने को तैयार हो। मुआवजा राशि मजिस्ट्रेट तय करेंगे। तभी मजिस्ट्रेट जमानत दे पाएंगे जब जो मजिस्ट्रेट कहेंगे और जितना मुआवजा बोलेंगे उतना पति पत्नी को देने के लिए जब तैयार होगा तभी जमानत मिल पाएगी। पुराने मुकदमों में क्या है, जो पुराने मुकदमे आज से चल रहे हैं उनके लिए क्या है कि जिन मामलों में कानून लागू होने से पहले अपराध हुआ है उस पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।
जैसे मान लीजिए आज से नया कानून लागू हुआ है, तो इसके पिछले जो तीन तलाक के मुद्दे थे उन पर ये नया कानून लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अपराध की निरंतरता जो होगा उसको ध्यान में रखकर ही कोर्ट फैसला करेगी। अगला है, क्या संशोधन किए गए हैं जो अभी नया कानून है। इससे पहले का प्रावधान था कि इस मामले में पहले कोई भी केस दर्ज करा सकता था। इतना ही नहीं, पुलिस खुद की संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती थी, लेकिन अब नया संशोधन यह कहता है कि अब पीड़िता का सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करवा सकता है। पहले था कोई भी केस दर्ज करवा सकता था, अब क्या है कि जो पीड़िता होगी, जो तीन तलाक से पीड़ित महिला होगी, उसके रिश्तेदार, जो सगा रिश्तेदार होगा, उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि वो उसका सगा रिश्तेदार है, वही मुकदमे को दायर कर सकता है। और क्या है, इससे पहले यह प्रावधान था कि पहले गैर जमानती अपराध के सगे अपराध था, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब नया का संशोधन यह कहता है कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा, हालांकि 3 साल की सज़ा बरकरार रहेगी। सज़ा जो है वो 3 साल की बरकरार रहेगी और मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको जमानत दे सकता है पति को। पहले समझौते का कोई प्रावधान नहीं था, अब नया संशोधन यह कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी में समझौते का विकल्प खुला रहेगा। पहले क्या था कि कोई समझौते का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब क्या है, पति पत्नी अगर चाहें तो मजिस्ट्रेट के सामने समझौता कर सकते हैं। अगला है, 1961 में भी पाकिस्तान मुस्लिम विवाह लागू कर 3 तलाक पर रोक लगा चुका है। 1961 में ही पाकिस्तान ने जो है मुस्लिम विवाह लागू कर लिया अपने देश में और 3 तलाक को वहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति तलाक देना चाहता है तो उसे मध्यस्थता, मतलब ये पाकिस्तान की बात हो रही है दोस्तों, अगर वहाँ पर क्या है कि अगर कोई लेना भी चाहता है 3 तलाक, तो क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति तलाक देना चाहता है तो उसे मध्यस्थता परिषद को लिखित में सूचना देनी होती है, एक प्रति पत्नी को भी उसकी देनी होगी। तो दोस्तों ये रहा 3 तलाक के मुद्दे पर ये छोटा सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों जाते जाते हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए मैटर के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।